ठीक है जी, तो चिकनाई कहाँ पाई जाती है? बादाम में, काली चॉकलेट में, अंडे में, मक्खन में, दही में, खाने के तेल में, यानी आप पकवान, मीजान, ये जितने भी तेल आ रहे होते हैं इसमें, सूरजमुखी के बीज में, गोश्त की चिकनाई में, यानी जब हम गोश्त लेते हैं तो आप तो कहते हैं ना रूखा रूखा देना, तो उसको मतलब बैलेंस करें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही रूखा रूखा लें, रूखा और चिकनाई दोनों मिक्स लें, वो चिकनाई जरूरी होती है बच्चों के लिए। अखरोट में, मूंगफली में, कद्दू के बीज में, पनीर में, ये वो सारे ग़िज़ाई फ्रूट और सब्जियां हैं जिसमें चिकनाई आपको मिल सकती है। चौथी चीज जो जरूरी होती है वो है विटामिन। विटामिन दो किस्म के होते हैं, एक चिकनाई में हल होने वाले और दूसरे पानी में हल होने वाले। पानी में हल होने वाले विटामिन बी और सी होते हैं। ये दोनों विटामिन रोजाना की जिस्मानी जरूरत और जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के कीमियाई तामुलात के लिए अहम है। कौन से? सी और ई, दो विटामिन आपको रोज के लिए चाहिए, ठीक है। और ये पानी में हल होते हैं, ये जो इजाफी आप खा लेते हो ये निकल जाते हैं बॉडी से, रुकते नहीं है, रहते नहीं है। लेकिन अगले जो विटामिन है ए, डी, सही है, बी, ये सब जो है वो बॉडी में रहते हैं, स्टे करते हैं। इसके लिए क्या होना जरूरी हो? चिकनाई का होना, क्योंकि ये बसते ही चिकनाई के अंदर है। विटामिन ए आंखों की सेहत के लिए जरूरी है, ठीक है। विटामिन डी हड्डियों के लिए कैल्शियम जज्ब करता है। विटामिन ई जिस्म के खलियों को टूट फूट से बचाता है। विटामिन के खून को जमाने का काम देता है, यानी जैसे बच्चे को जख्म लगेगा खून बहना शुरू होगा, अगर उसके जिस्म में विटामिन के होगा सही तो खून फौरन जमेगा, और अगर वो बहे जा रहा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें विटामिन के की क्या है, कमी है, ठीक है। और चिकनाई जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखती है, मुख्तलिफ अज़ा की हिफाजत करती है, जिल्द और बालों की सेहत के लिए जरूरी है। कहाँ कहाँ पाया जाता विटामिन, ये आपको सारी सब्जियों के और इनके नाम याद रखने चाहिए जिसमें विटामिन मौजूद है। शकरकंद, मछली, कलेजी, मटर, गाजर, कीनू, लीमू, टमाटर, पालक, आम, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, खरबूजा, गर्मा सर्दा, अंडे, लाल मिर्च, पपीता और बादाम, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें विटामिन पाए जाते हैं। अपनी ग़िज़ा के अंदर इनको लाजमी शामिल करें। जो उठा लें ऊपर वाला, ठीक है जी। पांचवी चीज जो आपके बच्चों के लिए जरूरी है वो है नमकियात, ठीक है। ये बहुत कम मिकदार में जिस्म के लिए जरूरी होते हैं, सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड, जिसमें पानी की मिकदार का तवाजुन रखते हैं। यानी जब आप जिस्म के अंदर पानी की सही मिकदार रहेगी कैसे, जब आपके पास सोडियम, क्लोराइड और पोटाशियम, ये तीन जो है वो एलिमेंट आपके बॉडी में रहेंगे, वरना क्या होगा, पानी जिस्म से जाया होता रहेगा, ठीक है। कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम दांतों और हड्डियों के लिए इंतहाई जरूरी है। आयरन जिस्म में ऑक्सीजन की गर्दिश के लिए जरूरी है। जिंक नए खलियों की तामीर में अहम किरदार अदा करता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये नमकियात? दूध, भिंडी, अच्छी बेहतरीन गजा में शामिल होता है भिंडी, कीनू, इंजीर, पपीता, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, शलजम, पालक। ये जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम हड्डियों, देखो जब हमारी हड्डियां तो डेवलप हो गई, बच्चों की हो रही होती हैं, तो उस दौरान जो गजा बच्चा खाता है उस गजा में से कैल्शियम निकल के हड्डियों में लगता है। एक तो ये है। अच्छा, हर जमाने में, हर वक्त में ये कैल्शियम टूट फूट का शिकार होता रहता है, यानी पुराना कैल्शियम मर रहा होता है, नया कैल्शियम डेवलप हो रहा होता है। अगर आपकी गिज़ा में कैल्शियम नहीं है तो क्या होगा, ये जो कैल्शियम की टूट फूट होगी इसका फिर पैरेलल कैल्शियम आपके पास नहीं आ रहा होगा। सबसे ज्यादा कैल्शियम शलजम में होता है, सही है। यानी कैल्शियम की बेहतरीन जो जखीरा है बॉडी के लिए वो शलजम है। हमारे यहाँ शलजम बहुत कम खाया जाता है, ठीक है, तो शलजम को गिज़ा में लेकर आए साथ।
पालक चुकंदर हरी प्याज मटर गोभी शकरकंद छिलकों के साथ आलू आलू जो है यूँ समझ लें अगर आप छिलके के बगैर पका रहे हैं तो 50% आपने उसके विटामिन और उसके मिनरल आपने फेंक दिए अगर आप छिलके के साथ पका रहे हैं तो फिर 100% चीज़ें उसमें से मिल रही हैं यानी 50% जो गजाई अज्जा हैं वो आलू के छिलके में है सही है आपको आलू छिलकों के साथ पकाने की कोशिश करनी चाहिए खा लेंगे बच्चे आप खिलाएं बच्चों को कोशिश करें उनको बोलें भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा जो है वो गजाई अज्जा हैं छिलकों के साथ आलू अरवी तमाम फलियां कद्दू भुट्टा और मूली ये वो सब्जियां मैंने कही हैं जिसमें क्या पाए जाते हैं नमकियात पाए जाते हैं एक चीज जो मैं बार बार कह रहा हूं तीन चार चीजें ऐसी हैं जिसमें पूरी गजाई अज्जा है शकरकंद कद्दू काशी फल जिसको बोलते हैं आप लौकी और फलों के अंदर आ जाए तो पपीता सही है ये वो चीजें दलिया जिसमें सारे गजाई अज्जा हैं आपको पता है बीमार हो जाता आदमी तो बीमार होने के बाद जब वो थोड़ा सही होने लगता है तो हम क्या बोलते हैं इसको क्या खिलाओ दलिया खिलाओ क्यों कहते हैं इसकी बॉडी में जितनी जरूरत है ना चीजों की वो सब किससे पूरी होगी दलिया से पूरी होगी लेकिन ऐसा करने से एक नुकसान ये हुआ कि दलिया सिर्फ बन गया मरीजों का खाना तो आप में से लोग ऐसी रेसिपी ढूंढें कि दलिया को जो है ना वो बहुत भरपूर तरीके से पकाएं ताकि बच्चे इस दलिया को भी मजे ले लेके खाएं छठी चीज है पानी पानी जिस्म का 60% पानी पर मुश्तमिल है ठीक है जिस्म में होने वाले मादों की नकलो हरकत के लिए पानी इंतहाई जरूरी है ये जहन में रखिएगा कि एक दिन में 8 गिलास पानी पीना सबके लिए जरूरी है कम अज कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 12 गिलास ये जो गर्मियां आपकी आ रही हैं इसमें तो आपको 12 गिलास तक बच्चों को लेके जाना चाहिए ठीक है बच्चे जो है ना इसमें सुस्ती करते हैं नहीं पीते प्यास लग रही है तो लग रही है खेल कूद में मसरूफ रहते हैं वो पीते नहीं है तो घर की जो खवातीन है उनकी जिम्मेदारी है कि हर फर्द को वो कम अज कम 8 गिलास और ज्यादा से ज्यादा गर्मियों में 12 गिलास पानी जो है वो प्रोवाइड करें क्योंकि देखिए आपके पूरे बॉडी में खून चल रहा है ये खून का जो प्रेशर है ब्लड प्रेशर जिसे आप कहते हैं इसके लो और तेज होने की वजह ही ये होता है कि पानी आपको पास सही मिकदार में आपके बॉडी में नहीं होता इसी तरह जब आप खाना खाते हो तो कुछ चीजें एनर्जी बन जाती हैं कुछ चीजें बेकार मादे बनती हैं पानी अगर सही आप पियोगे तो बेकार मादे खारिज होंगे पानी अगर आप सही नहीं पियोगे बेकार मादे खारिज नहीं होंगे जो आपके जिस्म में जहरीले मवाद पैदा करेंगे और वही आपको बीमार करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो अच्छा पानी के बारे में अब सब लोग इसको सोचें कि ठंडा पानी सेहत के लिए मुजिर है सही है यानी ऐसा पानी जो बहुत ठंडा है वो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदायक है ऐसा पानी जो औसत दर्जे का ठंडा है वो आप पिए अगर आप सख्त ठंडा पानी पी रहे हैं आपकी भी आदत हो गई बच्चों को भी आदत हो गई कि भाई वो जमी हुई बोतल ही निकालेंगे और उससे ही पानी पियेंगे फ्रिज में से तो आप समझ लीजिए कि ये बच्चे अब बीमार पड़ेंगे सही है तो ठंडा पानी मुनासिब नहीं है सेहत के लिए सातवीं चीज है फाइबर ठीक है सातवीं चीज जो आपकी गजा के लिए जरूरी है वो क्या है फाइबर रेशा उर्दू में क्या बोलते हैं आप रेशा सही आटा जो हम खाते हैं उसमें ज्यादा फाइबर होता है वो गजा को हजम करने में और बेकार मादों को जिस्म से निकालने में अपना रोल प्ले करता है ठीक है गजा को हजम करने खून में बेकार मादों को जायल करने शरियानों को खून की रवानी जारी रखने के लिए फाइबर इंतहाई जरूरी है दिल की बीमारियां शुगर और कैंसर की बीमारी से बचाता है और कहाँ कहाँ पाया जाता है मटर पालक बंद गोभी फूल गोभी शकरकंद भिंडी बैंगन भुट्टा चने प्याज बगैर छना आटा रसभरी अमरूद अनार केला पपीता आड़ू तरबूज और खरबूज इसमें पाया जाता है फाइबर जब आप बच्चों को फल खिलाएं तो जूस निकाल के मत दें ठीक है अगर आप बच्चों को जूस निकाल के दे रहे हैं तो उसमें फाइबर नहीं है फल बाज़ाब्ता खिलाएं उसका जो जूस है वो भी उसके लिए फायदेमंद है और जो फाइबर है जो रेशा है या गूदा है
वो भी उसके लिए फायदेमंद है। ठीक है, हमारे यहाँ जो दिल की बीमारी बढ़ रही है उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी गजा में फाइबर नहीं है। लोग अक्सर इसबगोल खाते हैं बड़ी उम्र में पहुंचने के बाद, उनकी गजा में फाइबर ना होने की वजह से वो क्या करते हैं, फिर आखिरी में हर रोज एक चमचा दो चमचा इसबगोल ले रहे होते हैं। तो इसबगोल दरअसल क्या है, हजम नहीं होता। फाइबर याद रखिएगा आपके बॉडी में हजम नहीं होता, वो सिर्फ होता है किस लिए, उसको बाहर निकलना है। तो वो क्या करता है, बेकार मादे खराब चीजें लेकर साथ जो है वो बाहर निकलता है। तो फाइबर आपकी गिज़ा का इंतहाई अहम एलिमेंट है। तो मैं अगर इसकी कंक्लूड आपको करूं तो ये है कि जब आप बच्चों को जिस्मानी सेहत की तरफ तवज्जो दें तो गिज़ा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गिज़ा तवाजुन होना चाहिए उसमें, यानी तनव्वो होना चाहिए, रोज मुख्तलिफ चीज़ खिलाएं। ये नहीं, ये हमारे यहाँ बदकिस्मती से आ गई है बात कि हमारे पास, अगर आप घर पे जाके अपना मेन्यू देखें कि आप क्या पकाते हैं, तो मेरा ख्याल है 5 या 6 चीज़ें ही हैं बस जिसमें हम घूम रहे हैं। 5 या 6 चीज़ों में हम घूमते रहते हैं, आज ये पकेगा, कल ये पकेगा, परसों पकेगा, जिस दिन गोश्त नहीं मिलेगा उस दिन दाल पकेगी। सही है, अगर गोश्त पकाना है तो गोश्त भी हमने कर लिया, मछली वो भी गोश्त है, मुर्गी वो भी गोश्त है, फिर गाय का गोश्त वो भी गोश्त है, 3 दिन तो इसमें चले गए। ठीक है, और भी थोड़ी सी ख्वाहिश बढ़ जाती है गोश्त खाने की तो फिर एक दिन कलेजी, बाकी कितने दिन बचे, 3 दिन, 1 दिन दाल। सही है, सब्जी की बारी बहुत कम आती है, आप पता नहीं, हमने तो देखा है कि अब बच्चे सब्जी से जो है वो शौक नहीं है, दूर नहीं है। बल्कि ये बात हम सबको जहन में रखनी चाहिए कि देखिए खुदा ने हर चीज़ बड़े सिस्टमेटिक अंदाज से बनाई है, वो आपके जिस्म की जो ज़रूरत होती है उसे वो पैदा करता है। ये जो आपकी मौसम की सब्जियां आती हैं ये दरअसल आपकी जिस्मानी ज़रूरत को सामने रखकर अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। इसलिए हर घराना ये सोच ले कि हमें मौसम की सब्जियां पकानी है, यानी गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, देखें कौन सी सब्जियां आ रही हैं, अरवी आ रही है मेरा ख्याल है। ठीक है, उसमें बेशुमार मिनरल और विटामिन मौजूद हैं अरबी के अंदर, वो आपको पकाने चाहिए। भिंडी आ रही है, तुरई है, ठीक है, और मैंने लौकी और कद्दू के बारे में तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे आलू आपने ज़रूरी कर लिया है ना, आलू आलू ज़रूरी है हमारे यहाँ, हर सालन में आलू को जो है वो कहीं ना कहीं शामिल कर लेते हैं आप। इसी तरह आप कोशिश करके लौकी को जो है ना और कद्दू को जो है अपने पास शामिल कर लें। इसको इसको मीठे में भी आप लेके जा सकते हैं, लौकी की खीर बना लें, बनती है ना मेरा लौकी की खीर, हलवा भी बनता है, कद्दू का भी हलवा बनता है। ठीक है, और ये मुरब्बे बनाने की कोशिश करें मीठे, कार्बोहाइड्रेट और लौकी दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो लौकी को, शकरकंद को, भिंडी को, तुरई को, इसमें तुरई कहीं नहीं लिखा मैंने, लेकिन क्योंकि ये मैंने इंग्लिश वेबसाइट से सारी चीज़ें निकाली है तो वहाँ तुरई पैदा नहीं होती, हमारे यहाँ बहुत पैदा होती है तुरई। जो है वो आपके फाइबर, यानी जो आखिरी जो लफ्ज़ था फाइबर, बेहतरीन जो फाइबर है आपका वो तुरई है। यानी आप तुरई अगर खा रहे हैं तो आपके जिस्म से बेकार मादे वो निकल जाएंगे, तो तुरई को जो है फाइबर में शामिल कर लीजिएगा। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिसको जब खाने का मेन्यू आप बनाएं तो उसको हफ्ते वार ना बनाए, महीने वार बनाए। यानी आप ये नहीं सोचें ये 5 चीज़ें हम हफ्ते में पकाएंगे, आप ये सोचें ये 20 चीज़ें हम अगले 20 दिन में पकाएंगे। असल में होता ये कि जब आप एक हफ्ते का मेन्यू बनाते हो तो आप उन 5 चीज़ों में उलझ के ही रह जाते हो, बस फिर आप उसमें ही घूमते हो, बस यही करेंगे, यही पकाएंगे, आज ये पकेगा, कल ये पकेगा, परसों पकेगा, फिर उसकी बारी दोबारा आ जाएगी घूम के। तो आप मेन्यू जो है ना अपना 5 दिन का नहीं बनाए, 6 दिन का नहीं बनाए, आप बनाए महीने का, और बोले जी एक दिन ये पकेगा, ये पकेगा, एक दिन 1 घंटे के लिए बैठ जाएं, कॉपी पेन लेके 1 घंटे के लिए बैठ जाएं और पूरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23, 24, 25, 30 तक आप जो है ना लिख लें कि आज ये पकेगा, ये पकेगा, ये पकेगा, ये पकेगा, उसी हिसाब से फिर जो है वो चीज़ें खरीदें और पकाएं। एक बात और आपको जहन में रखनी चाहिए कि जो बच्चे नाश्ता नहीं करते, सही, यानी सुबह का नाश्ता इंतहाई अहम है, जो बच्चे सुबह का नाश्ता नहीं करते वही स्नैक्स की तरफ बढ़ते हैं। स्नैक्स का मतलब ये पापड़ी, बर्गर, सही, ये सब चीजें नुकसानदेह हैं।
ये आप ऐसे समझो जहर है, ये बॉडी के लिए जहर का दर्जा रखती हैं ये स्नैक्स, चिप्स, सही, और मुख्तलिफ चीजें जो मार्केट में मिल रही होती हैं। बच्चा स्नैक्स की तरफ कब बढ़ता है? जब वो नाश्ता नहीं करता, क्योंकि सुबह उसने नाश्ता नहीं किया, वो स्कूल आएगा, अब वो क्या करेगा स्कूल में? वो स्नैक्स खरीदेगा, वो पापड़ियां खरीदेगा, वो मुख्तलिफ किस्म के छोले, चटनियां। हमारे भी घर में हमारे बच्चे नाश्ता करके नहीं आते, यहाँ 20-20 रुपए की छोले की प्लेटें खा रहे होते हैं, वो स्नैक्स की तरफ उनका रुझान हो गया। तो इसलिए जरूरी है कि आप सुबह जल्दी उठाएं और बच्चों को नाश्ता करवाएं, उनको आदत में शामिल करें। कि जो बच्चे नाश्ता करेंगे जी, क्या कह रहे, नहीं करते, इसीलिए स्नैक्स की तरफ चले गए बच्चे। तो हम सब लोग ये कोशिश करें कि हम सुबह, और ये जरूरी नहीं होता कि आप पेट भर के पहले दिन खिला दें, पहले दिन से स्टार्ट करें, एक स्लाइस से, आधी रोटी से, पाव रोटी से शुरू करें नाश्ता, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करें, रोजाना की बेसिस पर बढ़ाते जाएं। फिर नाश्ते में भी तनव्वु होना चाहिए, ये नहीं कि नाश्ता रोज एक जैसा मिल रहा, चाय पापा, तो वो बच्चा उगता जा रहा है, रोज चाय पापा, उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस लाने की कोशिश करें, कभी कोई जैम, कभी जैली, कभी अंडा, सही है, कभी चने, कभी छोले, कभी सब्जी, कभी गोश्त, सब ले सकते हैं नाश्ते में, हर चीज खा सकते हैं नाश्ते में, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन नाश्ता जरूर हो, रात पूरी रात आप सोए, सही, तकरीबन 8 घंटे आपका बॉडी जो है वो खाने से महरूम रहा है। अब आप सुबह उठे, आप खाना नहीं खा रहे, आप जुल्म कर रहे हैं, ये सारी चर्बी पिघल जाती है। अच्छा, उनको गौहर को ये शिकायत है कि कोई एक दिन तो ऐसा हो जिसमें बच्चे नाश्ता ना करें, तो ये बहुत अच्छी आदत है, वेरी गुड साइन, इसीलिए बच्चे स्नैक्स से दूर हैं। आप नाश्ता नहीं करो, ये सारे के सारे बच्चा आहिस्ता आहिस्ता कहाँ चला जाएगा, स्नैक्स पे चला जाएगा, और फिर मैनेज करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो नाश्ता जरूर कराएं, नंबर एक। नंबर दो, रात का खाना सोने से बहुत पहले खिलाएं। हमारे यहाँ ये बहुत गलत राइज हो गया है कि हम जब सोने लगते हैं तो बस खाना खाते हैं और सो जाते हैं, ये सबसे बड़ा जो है ना बीमारी का जड़ है। यानी आप आदत बनाएं बच्चों की कि खाना उस वक्त दें उन्हें जब उनकी नींद से 2 घंटे पहले कम से कम, तब जो है वो आप देखिएगा कि वो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होंगे, वरना बीमारियां उनको जो है वो यहाँ खाया और वहाँ सोए और सारे बॉडी के अंदर बेकार जहरीले मादे पूरी रात जमा होते रहे, और ये जब मुसलसल चलता है तो आदमी मोटा हो जाता है, ठीक है, खाना सही हजम नहीं होता, बदहजमी का शिकार। इन सब चीज़ों से बचने का बेहतरीन तरीका है, आदत डालें कि खाना सोने से 2 घंटे पहले ज़रूर खिला दें। जिस्म मजबूत होगा, सेहतमंद होगा, तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। मैं लोड डालूंगा यहाँ पढ़ाई का, तो पढ़ेंगे भी। अब बच्चा लागर है, मैं देखो ना, मेरे पास, मैं क्लास में बच्चों को बिठा के पढ़ा रहा हूँ, 40 मिनट का पीरियड, 50 मिनट का पीरियड है, बच्चा नाश्ता करके नहीं आया है, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, डिमांड कर रहा हूँ कि बेटे फोकस करो, बोर्ड पर देखो, वो बोर्ड पे देखता है, अंदर उसके पेट में चूहे जो है वो लात मार रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, वो फोकस कर ही नहीं पाता। ठीक है, तो बुनियादी एलिमेंट ये है कि आप बच्चों को सुबह नाश्ता जरूर कराएं, ठीक है, और उनकी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें। मैंने ये जो पेपर आपको दिया है, ये अब आप संभाल के रखेंगे अपने पास, ठीक है, और इसके मुताबिक 30 दिन का कोई चार्ट आप बनाए, और अगर आप लोग मुझसे उसे शेयर कर लें तो बहुत अच्छा होगा, या आप एक दूसरे से भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप मुझे ला के देंगे कि सर ये हमने बनाया अपना, तो आपका एक होगा, किसी का एक होगा, वो सारे मैं यहाँ बोर्ड पे लगा दूंगा, फिर जितने पेरेंट्स आ रहे होंगे वो सारे के सारे उस चार्ट को देख रहे होंगे कि अच्छा भाई ये 30 दिनों का ये एक चार्ट हो सकता है, 30 दिनों का ये भी एक चार्ट हो सकता है। आप मुझे बोलोगे सर ये सारी फोटो खींच के ना हमें व्हाट्सअप कर दें, तो मैं सबके फोटो खींच के आप सबको व्हाट्सअप करूंगा, फिर क्या होगा, आपके पास एक बहुत डिफरेंट किस्म की लिस्ट होगी। ये इस रवैये से हम बाहर आ जाएं कि पीर को गोश्त पकाना है, मंगल को दाल पकानी है, बुध को सब्जी पकानी है, जुमेरात को फिर गोश्त पकाना है, और जुमे को क्योंकि बिरयानी पकानी है, उसमें भी गोश्त डालना है,
हफ्ते के दिन सारे गोश्त हो गए तो मछली पका लो आज, या कलेजी पका लो आज, अच्छा होना चाहिए। ये अच्छा अच्छा के चक्कर में हमने क्या करा, जो गिजाई अज्जा थे वो खत्म हो गए। अच्छा, इसमें अच्छा अच्छा का मतलब मजा, मजे का एलिमेंट है। तो अब खातूने खाना को चाहिए कि वो खाना पकाने की ऐसी रेसिपीज तलाश करें कि जिसमें कद्दू ही अच्छा पकाया जा सकता हो। मेरा ख्याल है कर सकते हैं। ऐसी किताबें मार्केट में, आप अगर इंटरनेट पे जाएं, तो मोबाइल आप सबके पास है, आप सिर्फ लिखें खाना पकाने की तरकीबें सब्जी के खाने, इतनी बड़ी लिस्ट आ जाती है। उसमें देखें जनाब कि कद्दू कैसे पकाया है, बैंगन कैसे पकाएं, ठीक है, तुरई कैसे पकाई गई है। मैंने देखा है तुरई, ऐसी ऐसी तुरई पकाते हैं लोग, तो उसको शेयर करें, उसको पढ़ें, और अपना खाना पकाने का जो जो आपकी स्किल्स हैं उसको इनहेंस करें, उसको बढ़ाएं, ताकि आपके बच्चों को गिजाई अज्जा पर मुश्तमिल खाने मजेदार मिलेंगे, तो फिर वो उस गिजाई अज्जा को अपने बॉडी में ले पाएंगे। और मौसम की सब्जियां और मौसम के फल, सब लोग ये बात पल्ले से बांध लें कि बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा करने के लिए मौसम की सब्जियां और मौसम के फल, ये जो जितने मर्द हजरात बैठे हैं, ये संडे के दिन सारा काम छोड़ के पूरे हफ्ते के लिए मार्केट जाके सब्जी खरीदा करें, देख के पालक ले ली, शलजम ले ली, मूली ले ली थोड़ी थोड़ी, और लाके फ्रीज कर दी, फ्रिज में रख दिया, और फिर उनसे कहा भाई हर चीज पके रोज। तो ऐसा हम करेंगे तो फिर बच्चे सेहतमंद होंगे, वरना सेहतमंद नहीं होंगे। वो हमारा एक शेर किसी ने बड़ा अच्छा बोला है, बचपन से रखता है पीरी में कदम, बचपन से रखता है पीरी में कदम, पीरी कहते हैं बुढ़ापे को, बचपन से रखता है पीरी में कदम, इस शहर का बच्चा जवान नहीं होता। तो बच्चा होता, बच्चे से फौरन क्या बन जाता है, बूढ़ा। जवान क्यों नहीं होता, छालिया खाएगा तो जवान होगा, गुटखा खाएगा तो जवान होगा। ये मुझे तो बहुत, आपको और हमको इस मामले में बहुत अलर्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छी गिजा खाए, अच्छा अच्छी गिजा भी नहीं खा रहा, और ऊपर से क्या खा रहा है, छालिया खा रहा है, सही, और ऐसी चीजें खा रहा है जो स्नैक्स का दर्जा रखती हैं, फिर नशे की चीजें खा रहा है, तो क्या जवान होगा, जवान नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा, बूढ़ा होगा। हम अपने बच्चों को अच्छी गिजा दें, ठीक है, पूरा तवाजुन हो उस गिजा के अंदर, सही है। पैसे बचाने की कोशिश मत करें, और ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते, मैंने आपसे कहा आप कम पैसों वाला मेन्यू मुंतखब कर लें, जो सस्ती चीजें हैं, लेकिन मेन्यू वो हो जिसमें सारे एलिमेंट्स किसी न किसी तरह से आ जाएं। तो मेरी क्लास का ये वाला सेशन कंप्लीट हो गया, जिस्मानी तरबियत में मुतवाजन गिजा, ठीक है जी। उसके बाद अगला टॉपिक है योगा और एक्सरसाइज, ठीक है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को रोज कहते हैं कि वो एक्सरसाइज करें, गुड, और कराते भी हैं, ठीक है। देखिए, अगर बच्चे एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो सेहतमंद नहीं होंगे, सीधी सीधी बात है। हम जब छोटे थे तो हमें याद है कि हमारे अब्बा रोजाना 4 बादाम भिगो देते थे उसमें पानी में, ठीक है, और सुबह उठा के कहते थे जाओ भाग कराओ, यानी दौड़ लगा कराओ। तो मैं और मेरे बड़े भाई शाहिद भाई, हम दोनों भाग के वापस आते थे। जब हम वापस आते थे तो हमारे अब्बा उस बादाम को ठिकरी के ऊपर घिसते थे, जब वो पूरा घिस जाता था तो उसको उंगली से निकाल के एक जो है वो बादाम की पूरी लई मेरे मुंह में डालते थे, और एक बादाम की लई जो है वो, समझ रहे हैं आप। ये देखें, पेरेंट्स का ये रोल होता है, ये बच्चे हैं ना हमारे हैं, ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे, इनको आप सही गजा नहीं दोगे तो ये क्या बनाओगे आप इन्हें, ठीक है। एक्सरसाइज बच्चों से करवाएं, दौड़े लगवाएं, ठीक है, रोजाना की सेटिंग ऐसी बनाएं कि एक्सरसाइज सुबह उठते के साथ ही बच्चा बाथरूम जाए के वापस आएगा, एक्सरसाइज करेगा पहले। खातून खाना भी एक्सरसाइज करें, जो हमारे घर के मर्द हैं वो भी करें एक्सरसाइज, ठीक है। मैं भी अपनी वेबसाइट के ऊपर गौहर से पूछ के, गौहर क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत एक्सपर्ट है, इनसे पूछ के मैं क्या करूंगा, बहुत सारी वीडियोज लगा दूंगा इस वेबसाइट के ऊपर। तो आपको अगर ये पता नहीं चल रहा कौन सी एक्सरसाइज करें कैसे करें, तो आप उसकी वीडियो देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये वाली एक्सरसाइज करें। तो बच्चों को एक्सरसाइज कराएं। हमारे यहाँ स्कूल में जब स्कूल लगता है तो हम सुबह आधे घंटे तक बच्चों को दुआ भी कराते हैं और एक्सरसाइज भी कराते हैं,
योगा कराते हैं। तो बच्चों को आपने एक्सरसाइज नहीं कराई तो जल्दी भेज दीजिए स्कूल। जिस स्कूल में भी आपके बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल के अंदर हर रोज बच्चों को कोई ना कोई एक्सरसाइज कराई जाती है, तो उनको मौका दें। स्कूल लग रहा है 8 बजे, आप बच्चों को भेज देने सब 8 बजे, तो एक्सरसाइज से भी गए, ठीक है, तो उनको एक्सरसाइज। फिर इसी तरह जो जिस्मानी खेल हैं, जैसे स्कूलों के अंदर जो है वो कराटे होते हैं, स्कूलों में दौड़ के मुकाबले होते हैं, आप अपने बच्चों से कहें कि इसमें हिस्सा लें, जीतने के लिए हिस्सा नहीं लें। ये एक बड़ा मसला है, अगर आप हिस्सा लेने के लिए बोलते हैं तो आप चाहते क्या है कि जीत क्या है? वो भाई जीतना और हारना, 100 भागेंगे एक जीतेगा, ऐसे ही होगा ना, भागेंगे 100 जीतेगा एक, उस एक के जीतने की वजह से 99 लोग आइंदा भागना छोड़ दें। भागे इसलिए थोड़ी थे कि जीतना था, भागे इसलिए थे कि उनकी जिस्मानी मजबूती के लिए वो भागे थे। तो एक्सरसाइज पर खुसूसी तवज्जो दें। दो तरीके होते हैं, एक तो या तो सुबह आप कराएं एक्सरसाइज, अगर आप सुबह नहीं करा सकते तो रात को कराएं एक्सरसाइज खाने से पहले, जब आप समझते हैं कि अब खाने का टाइम है तो बच्चों से कहें पहले एक्सरसाइज करें, बच्चे सारे एक्सरसाइज करें, उसके बाद वो खाना खाएं, थोड़ी देर 1-2 घंटे गुजारें, उसके बाद वो सो जाएं, ठीक है। तो सिर्फ सुबह ही एक्सरसाइज नहीं होती, आप रात को भी एक्सरसाइज सोने से पहले जो है वो कर सकते, लेकिन खाना खाने से पहले। तो योगा और एक्सरसाइज, आप जाएं इंटरनेट के ऊपर लिखें योगा एक्सरसाइज एंड योगा, आप देखिए बहुत सारी वीडियोस खुल जाएंगी और हर वीडियो में डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेस दिखाई गई हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, आप भी करें उसे और अपने बच्चों को भी दिखाएं कि बेटे ऐसी एक्सरसाइज आप करें, ठीक है। आपको पता है बेशुमार बीमारियां जो है जब हो जाती हैं और हम जाते हैं किसी फिजियोथेरापिस्ट के पास तो वो आपको दवाएं कम देता है और एक्सरसाइज ज्यादा कराता है, तो उस जगह पे जाके आपको एक्सरसाइज करनी है तो कुछ नहीं करें, और अगर आप चाहते हैं उस जगह पे ना जाएं तो पहले ही रोजाना थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज आप भी करें और अपने बच्चों को भी मजबूर करें कि वो एक्सरसाइज करें, ठीक है। और मतलब जो वालिद हैं वो तो करते ही है मेरा ख्याल है, अपने बच्चों के साथ खेलें, कुश्तियां लड़ें, ठीक है। घरों के अंदर ये हमारा कल्चर है कि जो बच्चों के साथ अटैचमेंट बाप की होती है वो ऐसी भी होती है कि वो उनको झूले भी झुला रहा है, वो उनको दौड़ा भी रहा है, वो उनके साथ खेल भी रहा है, उनके साथ कुश्तियां भी लड़ रहा है, तो इसको हमें जारी रखना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि हम बिल्कुल अपने आप को अब्बा समझ लें और जो है वो बिल्कुल हिटलर का अंदाज अख्तियार कर लें बच्चों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। खेल कूद कुश्ती जिस्मानी मुशक्कत बच्चों से काम लेना ताकि उनकी जिस्म जो है वो मजबूत हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। नंबर नेक्स्ट हम आ गए दांतों की सेहत, ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। बीमारी जो आपको, अगर आपके दांत सही नहीं है तो खाना ही आप नहीं चबाओगे, खाना नहीं चबाओगे तो मैदा जो है उस पर लोड पड़ेगा और मैदे पे लोड पड़ा और सारी बीमारियां शुरू। इसलिए दांतों की खास हिफाजत, अपने बच्चों के लिए दांतों पर बड़ी बड़े कंसंट्रेशन रखें आप। मैंने देखा बहुत से बच्चे मेरे पास 4-6 साल के आ रहे होते हैं और उनके दांत खराब होते हैं, यानी वो पूरे प्रोसेस से गुजर रहे थे, खराब एक दिन में तो नहीं हुए थे दांत, रोज थोड़ा थोड़े हो रहे थे, किसी ने तवज्जो नहीं दी उसके ऊपर कि भाई दांत खराब हो रहा है। तो दांत की सफाई, दांत की सफाई में हम जब छोटे थे और आप जब छोटे थे तो हमें सुबह सोते के साथ उठने के फौरन बाद दांत साफ करने के लिए कहा जाता था कि आप दांत साफ करें, हमने दांत साफ किए, आया नाश्ता किया और स्कूल चले गए। ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है क्योंकि दांत को सफाई की जरूरत खाने के बाद है, खाने से पहले नहीं है, ठीक है। इसी तरह जब आपने रात का खाना खिला दिया और आपने कहा जाओ सो जाओ तो ये भी गलत प्रैक्टिस है। रात का खाना खाने के बाद बच्चे के लिए जरूरी है कि पहले वो दांत साफ करे फिर जाके सोए। अगर सुबह सुबह उठने के बाद वो फौरन भी दांत साफ नहीं करता कोई बात नहीं, वो कुल्ली करे और कुल्ली करके खाना खाने आ जाए और खाना खाने के बाद लाजमी क्या करे, ब्रश करे। यानी 2 टाइम के ब्रश आप लाजमी करार दे दें बच्चों को, एक सुबह नाश्ते के बाद और एक रात का खाना खाने के बाद या सोने से पहले।